मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसआरएल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए तैयार किए गए इस ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस ई लेक्चर का टॉपिक है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन या बेंजीन के नाइट्रीकरण की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को विस्तार से चर्चा करेंगे। नाइट्रीकरण की अभिक्रिया या रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। जब बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रीकरण मिश्रण क्या होता है, जब सांद्र HNO3 अम्ल तथा सांद्र H2SO4 अम्ल को मिला के एक मिश्रण तैयार किया जाता है तो इसे नाइट्रीकरण मिश्रण कहते हैं। जब बेंजीन की अभिक्रिया इस नाइट्रीकरण मिश्रण से करवाई जाती है तो इस अभिक्रिया को बेंजीन की नाइट्रीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अपन नाइट्रीकरण मिश्रण में दो चीजें मिला रहे हैं, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि नाइट्रीकरण की अभिक्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो अपन ने प्रयुक्त किया है, जो काम में लिया है, वो एक उत्प्रेरक, ये कहें कैटलिस्ट का कार्य करता है। अभिक्रिया जो है वो बेसिकली बेंजीन के अणु और सांद्र HNO3 के बीच में होती है। उत्पाद के रूप में अपने को नाइट्रोबेंजीन और जल का अणु प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को नाइट्रीकरण की अभिक्रिया या रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन कहते हैं। बेंजीन का नाइट्रीकरण वो भी इसी को कहते हैं। ये नाइट्रीकरण की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है? बेंजीन जो HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, उत्पाद बनाता है, या H2SO4 एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, ये किस प्रकार करता है, इसकी स्टडी के लिए अपन इसकी अभिक्रिया विधि का स्टडी करेंगे। अभिक्रिया विधि या रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, नाइट्रीकरण की अभिक्रिया विधि दो पदों में पूर्ण होती है। पहले पद को प्रथम पद, धीमा पद या अभिक्रिया गति जांच पद कहते हैं। फर्स्ट स्टेप, स्लो स्टेप या रेट डिटरमिनिंग स्टेप। पहले पद में HNO3 का एक अणु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के दो अणुओं के साथ क्रिया करता है और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाता है। NO2+ इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है, दो HSO4- के अणु बनते हैं और एक H3O+ का अणु बनता है। ये जो NO2+ इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल जो बना है, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में निकटतम कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है। बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु है, 6 के 6 कार्बन परमाणु समान है, एकल और द्विबंध एकांतर स्थिति में मौजूद है। तो ये NO2+ इलेक्ट्रॉन स्नेही निकटतम कार्बन परमाणु के साथ जुड़ जाता है। जिस कार्बन से जुड़ता है उसकी वैलेंसी 4 हो जाती है। एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है और दो कार्बन के साथ का इस कार्बन ने बंध बना रखे हैं। चौथा बंध NO2 के साथ बना लेता है, जिसके कारण ये कार्बन जो बेंजीन में दूसरे कार्बन के साथ द्विबंध से बंधित था, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड था, वो पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड टूट जाता है। और ये इस प्रकार से टूटता है कि बंद इलेक्ट्रॉन युग्म NO2 के पास और कार्बन के बीच में चला जाता है। अर्थात जो NO2 एक धनावेशित आयन था, उसके पास इस बंद इलेक्ट्रॉन युग्म का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो इस कार्बन कार्बन में जो दूसरा कार्बन परमाणु द्विबंधित कार्बन परमाणु था, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, फलस्वरूप उसके ऊपर एक प्लस आवेश आ जाता है। इसी स्थिति को अपन जनरल भाषा में क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का धन आवेश बेंजीन वल्ले के कार्बन परमाणु के पास स्थानांतरित हो जाता है।
अब स्थिति क्या बनी, बेंजीन बल्ले, बेंजीन बल्ले में एक कार्बन परमाणु या वो निकटतम कार्बन परमाणु, उसकी चार वैलेंसी पूरी हो गई और बेंजीन बल्ले का जो द्विबंधित कार्बन परमाणु था उस पर धन आवेश आने के कारण उसकी भी चार वैलेंसी पूरी हो गई। बेंजीन बल्ले में धन आवेश स्थानांतरित होने के बाद में क्या स्थिति बनी है कि उसके आगे की श्रृंखला अपन देखें तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांतर स्थिति पर है। जब भी किसी कार्बन श्रृंखला या वल्ले में सिंगल और डबल बॉन्ड एकांतर स्थिति पर हो और धन आवेश एक कार्बन के पास उपस्थित हो तो वो धन आयन अल्टरनेट कार्बन परमाणु या अल्टरनेट एटम, इन जनरल कहें तो अल्टरनेट एटम के पास स्थानांतरित हो सकता है। ये धनावेश बेंजीन वल्ले में एक कार्बन छोड़ेगा और आगे वाले कार्बन परमाणु के पास स्थानांतरित हो जाएगा। अनुनाद का नियम देखें तो जो आगे वाले कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड है वो पीछे वाले कार्बन परमाणु के पास स्थानांतरित हो जाएगा। इस प्रकार एक संरचना बनेगी जिसे अनुनादी संरचना कहते हैं। इस अनुनादी संरचना में अपन देखें तो आगे फिर वही अरेंजमेंट है बॉन्ड्स का, एक सिंगल बॉन्ड है एक डबल बॉन्ड है। तो ये जो धन आवेश स्थानांतरित हुआ था वो आगे पुनः स्थानांतरित हो जाएगा, एक एटम छोड़ेगा आगे वाले एटम के पास स्थानांतरित हो जाएगा। अनुनाद के नियमों का पालन करते हुए डबल बॉन्ड पीछे की दिशा में आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा और एक तीसरी अनुनादी संरचना बनेगी। इन तीनों अनुनादी संरचनाओं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एक कॉमन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, अनुनादी संकर। अब अनुनादी संकर भी दो प्रकार से प्रदर्शित होता है। ज्यादातर किताबों में तो बेंजीन वल्ले बनाते हैं और बेंजीन वल्ले में बीच में एक डॉटेड लाइन से सर्किल बनाते हैं, उसके ऊपर धनावेश कर देते हैं, बाकी मॉलिक्यूल एच और एनओ टू जुड़ा हुआ है। इस संरचना को बता के डॉटेड लाइन से ये प्रदर्शित करते हैं कि जो धन आवेश है वो बेंजीन बल्ले में चारों तरफ अल्टरनेट एटम्स पर घूम रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। कुछ किताबों में दूसरी अनुनादी संकर की जो स्ट्रक्चर बनाई है वो भी दिखाई देती है। उसमें जिन जिन कार्बन परमाणुओं पर धन आवेश जाता है तो बेंजीन बल्ले में एक धन आवेश घूम रहा है तो एक कार्बन परमाणु पर एक तिहाई धन आवेश प्रदर्शित कर देते हैं, तो तीनों कार्बन परमाणुओं पर 1/3 प्लस आवेश प्रदर्शित कर देते हैं। इसका भी मतलब वही है, स्ट्रक्चर दोनों ठीक है। ज्यादातर चलन में पहली वाली संरचना प्रदर्शित की जाती है। अनुनादी संकर बनने तक का पद प्रथम पद कहलाता है। क्रियाकारी मिश्रण में एक बार अनुनादी संकर बन गया तो दूसरा पद बड़ी तीव्रता से होता है। पहले पद में लगने वाला समय ही अभिक्रिया की गति माना गया है, क्योंकि दूसरे पद क्रियाकारी मिश्रण में अनुनादी संकर बनते ही दूसरे पद में नाभिक स्नेही इतनी तीव्रता से रिएक्शन करता है कि वो समय ज्ञात नहीं किया जा सकता, और ज्ञात कर ले भी लें तो वो समय बहुत नगण्य है, उसको छोड़ देने से अभिक्रिया की गति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए पहले पद में लगे गए समय को ही अभिक्रिया की गति माना जाता है और इसीलिए इस पद को तीसरा नाम अभिक्रिया गति जांच पद, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, इसके नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादी संकर दूसरे पद में किस प्रकार क्रिया करता है उसकी स्टडी करते हैं। नाइट्रीकरण का दूसरा पद जिसे द्वितीय पद या तीव्र पद के नाम से अपन जानते हैं, और इंग्लिश में इसे कहें तो सेकेंड स्टेप या फास्ट स्टेप।
दूसरे पद में अभिक्रिया जो होती है वो शुरू करती है पहले पद में बना हुआ अनुनादी संकर। ये अनुनादी संकर क्रियाकारी मिश्रण में उपस्थित HSO4- आयन जो प्रथम पद में बना है, जिस समय इलेक्ट्रॉन स्नेही जनरेट किया गया था, बनाया गया था क्रियाकारी मिश्रण के द्वारा, उसमें HSO4- उपस्थित है। ये क्रिया करता है इस अनुनादी संकर से, तो नाइट्रो NO2 इलेक्ट्रॉन स्नेही जिस कार्बन से जुड़ा था उस कार्बन परमाणु का हाइड्रोजन HSO4 के साथ जुड़ जाता है और एक अणु H2SO4 का निकाल देता है और अपने को उत्पाद प्राप्त होता है नाइट्रोबेंजीन। क्रियाकारी मिश्रण में जब अभिक्रिया हुई, जब अभिक्रिया शुरू हुई और इलेक्ट्रॉन स्नेही जनरेट किया, उस समय एक H3O+ आयन और एक HSO4 आयन और बना था। इस पद में H3O+ आयन HSO4- आयन के साथ क्रिया करता है और एक अणु जल का बनाता है और H2SO4 का दूसरा अणु प्राप्त हो जाता है। तो जो अपन ने शुरू में अभिक्रिया के आरंभ में दो अणु H2SO4 के डाले थे, प्रयुक्त किए थे, वो दोनों H2SO4 के अणु अपने को दूसरा पद अभिक्रिया पूर्ण होने पर वापस प्राप्त हो गए। इसीलिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसने एक कैटलिस्ट का कार्य किया है, उत्प्रेरक का कार्य किया है। कैटलिस्ट क्या होता है कि अभिक्रिया को शुरू करे, गति करे, उसकी गति को बढ़ा दे या कम कर दे, लेकिन अभिक्रिया में भाग ना ले। ऐसे किसी भी यौगिक को उस अभिक्रिया में उत्प्रेरक कहते हैं। इस नाइट्रीकरण की अभिक्रिया में H2SO4 जो प्रयुक्त हुआ उसने अभिक्रिया आरंभ करवाई। NO2 इलेक्ट्रॉन स्नेही जनरेट किया और अभिक्रिया के उपरांत अपने को वापस प्राप्त हो गया। इसलिए H2SO4 ने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ने एक उत्प्रेरक का कार्य किया। अभिक्रिया बेंजीन और HNO3 के मध्य हुई, उत्पाद के रूप में नाइट्रोबेंजीन और जल का अणु प्राप्त हुआ। ये आपकी रिएक्शन है जो कि नाइट्रीकरण की रिएक्शन है, बेंजीन का नाइट्रीकरण। क्वेश्चन में आपसे शॉर्ट नोट के रूप में भी पूछा जाता है, टिप्पणी लिखो नाइट्रीकरण, तो यही अभिक्रिया है। चाहे वो नाइट्रीकरण के नाम से पूछें, चाहे बेंजीन का नाइट्रीकरण पूछें, रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन पूछें या नाइट्रेशन पूछें, एक ही बात है। थैंक यू।